दोस्तों भारतीय टीम के ऊपर टूटा दुखों का पहाड़। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं, भारतीय टीम के साथ हो गया एक ऐसा कांड जिसे कोई भी खिलाड़ी भुला नहीं पा रहा है। दोस्तों अगर आप भी हैं भारतीय टीम के फैन तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों हम आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों इन दोनों टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ ODI मैचेस खेल रही है, ये बात तो आप सभी को अच्छे से पता होगा। और श्रीलंका के खिलाफ पहले ODI मैच में भारतीय टीम ने तो काफी ही कमाल कर दिया। भारतीय टीम ने श्रीलंका से पहला ODI मैच पूरे 66 रनों से जीत लिया। दोस्तों भारतीय टीम के साथ एक अजीबोगरीब घटना घट गई, के बाद खिलाड़ी उस पर काफी ज्यादा नाराज भी हुए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पहले वनडे मैच में टीम इंडिया ने काफी शानदार प्रदर्शन किया और इस पहले वनडे मैच में हमें रोहित शर्मा का हाफ सेंचुरी देखने को मिला। रोहित शर्मा ने कई दिनों बाद इतना सारा रन बनाया। वही दोस्तों दूसरी तरफ हमें विराट कोहली का सेंचुरी आते हुए भी दिखा। कोहली ने अपने कैरियर का 73वां शतक भी मार दिया। दोस्तों इसी बीच एक ऐसी घटना हो गई को हैरान कर गया। दोस्तों इसके बाद इंडिया की टीम बॉलिंग करने आती है। बॉलिंग करने आए इंडिया की टीम ने काफी कुछ अच्छा किया और श्रीलंका को ये मैच 65 रनों से हरा दिया। लेकिन दोस्तों इस मैच में एक ऐसा घटना घट गया जो सभी खिलाड़ी को काफी ज्यादा हैरान कर गया। तो फील्डिंग कर रहे शुभमन गिल गेंद को पकड़ने जाते हैं तब वो अपनी आंखों में चोटिल हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं, गेंद को पकड़ते वक्त वो गेंद उनकी आंखों में जा लगी। दोस्तों जिसके बाद भारतीय टीम इस चीज से काफी ही ज्यादा दुखी हो गई। दोस्तों अब जो अगला मैच है वो शायद शुभमन गिल ना खेल पाए। दोस्तों आप सभी को तो पता ही होगा कि शुभमन गिल ODI के कितने अच्छे प्लेयर हैं, ऐसे में उनका टीम से बाहर होना टीम के लिए काफी दुख की बात है।